हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल इडोटिक सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो स्प्रिंग सेमेस्टर है उसके लिए सो लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कि वो क्या है कि पीएचडी एच जो प्रोग्राम है ये डिफरेंट स्कूल ऑफ साइंसेस के लिए है नेक्स्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए है एंड मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए है सो अंडर दो स्कूल स्कूल ऑफ साइंस के अंडर जो केमिकल साइंस इन साइंस, मैथमेटिकल साइंस मैथामेटिकल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड अंडर द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनर्जी फूड इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एंड मकैनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज एप्लाइड साइंसिस सो मैनेजमेंट स्कूल के अंडर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स एंड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कल्चरल स्टडीज़ इंग्लिश हिंदी लिंग्विस्टिक एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के अंदर होगा इसके सिवाय जो सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है उसके अंदर भी स्कॉलर को लिया जाएगा सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डैट सो अगर वो किसी का नेट जे या फिर नेट एल एस स्लेट गेट सी ई डी एक्सेट्रा एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है देन उन लोगों के लिए क्या देना पड़ेगा एक बेसिक वो एक रिटर्न एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा इफ़ दे क्वालिफाइड ए रिटर्न एग्जामिनेशन देन क्या होगा एक पर्सनल इंटरव्यू होगा अगर कोई किसी स्टूडेंट का ऑलरेडी यू जी सी नेट जे आर एफ सी एस आर यू जी सी नेट जे आर एफ यू जी सी सी एस आर एल एस स्लेट गेट और सी डबल ई डी एग्जाम क्वालिफाइड है देन दे ओनली गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू तो उन लोगों के लिए रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अभी आते हैं जो रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिलेक्सेशन है उसके हिसाब से ही होगा एंड नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द फीस सो जो फीस है अप्प्लीकेशन फीस इज थाउजेंड रुपीज़ एंड इट इज़ फाइव हंड्रेड फॉर एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट ठीक है तो पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन करना पड़ेगा आइडर थ्रू डेबिट कार्ड और मे बी क्रेडिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग इट रे so, सो आप अभी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में तो बिफोर डैट हम लोग बात करते हैं कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस एंड पैटर्न प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर डिपार्टमेंट और सेंटर के बारे में आप लोग जो एम एस सी एम ए या फिर एम कॉम का जो सिलेबस है मेनली यू कैन गो थ्रू डैट तो वहाँ से आएगा सो so, तो आप डिपार्टमेंट से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानते हैं सो दिस नोटिफिकेशन इज एक्चुअली पब्लिश इन ट्वेंटी अक्टूबर आज नोटिस बोर्ड में आया था एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो अभी से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट इट इज़ फॉर फिफ्टीन नवंबर ठीक है सो अराउंड वन मंथ्स हाथ में है तो पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मेरिट रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट के लिए जो लोगों का स्क्रीनिंग uh, करेंगे स्क्रीनिंग के बाद बाईस नवम्बर को पब्लिश होगा आफ्टर दैट जो रिटर्न टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा अट्ठाईस नवम्बर को होगा एंड जो लोग क्वालिफाई करेंगे रिटर्न टेस्ट को उसका उन लोगों का जो पर्सनल इंटरव्यू होगा दैट विल बी ऑन थर्ड एंड फोर्थ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा उन लोगों का लिस्ट पब्लिकेशन हो जाएगा फोर्टीन ऑफ जनवरी सॉरी सेवेंटी ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड प्रोविजनल एडमिशन विल बी स्टार्ट आफ्टर द विंटर ब्रेक दैट मींस एट सेवेंटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सो so, यहाँ पे ये, नो, ये नोटिफिकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो so, यहाँ पे आप लोग को देख सक देख सकते हैं कौन से एरियाज में हो, हो रहा है सो दिस इज़ द एरियाज़ फॉर रिसर्च एंड दिस इज़ फॉर प्री रिक्विजिट तो इसके लिए क्या क्या जरूरी होगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं तो मोस्टली फॉर यूनिवर्सिटीज आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सी जी पी सिक्स पॉइंट से ऊपर चाहिए या फिर जो एम मास्टर्स डिग्री है उस पर फिफ्टी फाइव मार्क्स से ऊपर चाहिए होगा एंड देन ऑल अदर क्राइटेरिया यू कैन गो फॉर इट एंड जो बी टेक कैंडिडेट अगर किसी बी टेक से डायरेक्ट पी एच डी करना चाहते हैं तो उन लोगों को सेवेंटी फाइव एग्रीगेट मार्क होना पड़ेगा या फिर इक्वेवलेंट टू सी जी पी एलॉन्ग विद द गेट स्कोर ठीक है एंड दे ऑल्सो हैव टू गिव मिनिमम टू रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी वेर दे हैव गॉट बी डिग्री और बीटेक बीटेक डिग्री तो ये इंजीनियरिंग के लिए लागू होगा बट फॉर साइंसेस और कॉमर्स और मे बी फॉर ह्यूमेनिटीज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं उन लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है तो ठीक है तो लेट अस सी फॉर द एजुकेशन फॉर एजुकेशन क्या है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और

पी एच डी एडमिशन स्कॉलरशिप के बारे में अगर जानना है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू मे वी शेयर दिस वीडियो टू द फेलो मैथ्स और योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग